सुंदर नर्सरी में हम बैठे हैं, हरियाली है चारों तरफ, खुला खुला आसमान, तारों की छांव में हम लोग बैठे हैं, हल्की सी ठंडक है हवा में, सो बहुत ही एक खुशनुमा सा माहौल है और ऐसे में हम संगीत का आनंद ले रहे हैं। अब ऐसे में जब आपको बांसुरी की तान सुनाई देगी ऐसे माहौल में, तो आपको नहीं लगता कि आपका मन ब्रजभूमि में पहुंच जाएगा? याद आएगी सांवरे की, मोरपंख और हाथ में बांसुरी। तो हमारी सुरयात्रा अब आगे उसी तरफ बढ़ रही है, अगली प्रस्तुति बांसुरी वादन, और कलाकार हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। कुछ बातें पंडित जी के बारे में आप सभी से साझा करना चाहूंगी। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की ख्याति सिर्फ बांसुरी वादन में ही नहीं बल्कि शहनाई वादन में भी है। संभवतः वो अकेले ऐसे कलाकार हैं जो दोनों वाद्यों को बराबर दक्षता से बजाते हैं और दोनों के ही वादन के लिए पुरस्कृत भी हुए हैं। प्रसन्ना जी का जन्म पुण्य नगरी बनारस में बनारस घराने के संगीतज्ञों के परिवार में हुआ। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादा पंडित गौरी शंकर जी से पाई। आपके पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना ने पहली बार संगीत प्रेमियों का परिचय त्रिपुरा और कृष्णा बांसुरी से कराया। उन्हीं के मार्गदर्शन में आपने संगीत में दक्षता प्राप्त की। सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी इसी घराने के शिष्य रहे हैं। राजेंद्र प्रसन्ना जी ने अपने चाचा पंडित भोलानाथ प्रसन्ना और पंडित विष्णु प्रसन्ना के साथ साथ ठुमरी के विख्यात कलाकार पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा से भी तालीम ली। बनारस से दिल्ली आने के बाद आपने रामपुर सहसवान घराने के पद्मश्री सम्मानित उस्ताद हाफिज अहमद खां और उस्ताद सरफराज हुसैन खां से संगीत की बारीकियां सीखीं। वर्ष 2004 में ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही राजेंद्र प्रसन्ना जी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक मजबूत दस्तखत बन गए। आपने विश्वभर में कई जगह अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शामिल हैं। इंग्लैंड के एडिनबर्ग फेस्टिवल, स्विट्जरलैंड में यूएनओ के मुख्यालय, सिडनी ओपेरा हाउस, फ्रांस के ओपेरा दी लियोन में भी आप सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सहारा इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली का सम्मान प्रमुख हैं। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कई वर्षों तक कार्यरत रहे हैं। और आइए अब आपका परिचय इनके संगत कलाकारों से करा दें। तबले पर श्री अभिषेक मिश्रा, संगत कलाकार। बांसुरी पर पंडित जी का साथ दे रहे हैं उनके सुपुत्र श्री राजेश प्रसन्ना। तानपुरे पर श्री शहजाद रशीद खान। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी को, जो अपने बांसुरी वादन का आरंभ राग बागेश्वरी से करेंगे। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी। इजाजत है।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
सुरों के ऐसे खूबसूरत लैंडस्केप्स हमने यहाँ पे ऐसा महसूस किया जैसे मंच पर प्रकृति अटखेलियाँ कर रही थी। तो मैं आमंत्रित करूँगी साहित्य कला परिषद से श्री राजकुमार आनंद जी को कलाकारों का सम्मान करने के लिए। जब कभी अच्छे पकवान खाते हैं और उसमें चटनी होता है, ये फ्लूट चटनी है तो इसलिए थोड़ी तीखी भी है, कान को लगती है, लेकिन गुरु की कृपा से तभी मधुर बन जाती है। मैं क्षमा चाहूँगा और आप सब बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद सभी का।